नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपका सामने लेकर आया हूं, दिन दुल्हे की बारात। हाई कोर्ट के तेज तर्रार जज शमीम अहमद ने फीता काट कर किया मेले का उद्घाटन, वह मजार पर चढ़ाया चादर। आपको बता दे, बहराइच दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गनी की मजार पर हजारों वर्षों से लगने वाले विश्व विख्यात जेठ मेला का इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शमीम अहमद ने फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया और साथ ही साथ लोअर कोर्ट के जज भी मौजूद रहे। और तो और, लोग पैदल चलकर बनारस, प्रयागराज, बस्ती, गाजी और तमाम जिलों से लोग पैदल चलकर पहुंचने लगे हैं इस दरगाह पर। बिन दूल्हे की बरातों को लेकर लोग दरगाह पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहे होगा, एक अनोखी बरात, ना ही दूल्हा होता है ना ही दुल्हन, फिर भी सैकड़ों सालों से यूपी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी जायरीन इस दरगाह पर बरात लेकर बहराइच पहुँचते हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले का उद्घाटन हो चुका है। मेले का हाई कोर्ट के जज जनाब शमीम अहमद साहब ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर दरगाह इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष शमशाद अहमद व सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ बच्चे भारती के अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हर साल लगने वाले मेले में भारी संख्या में दरगाह शरीफ बहराइच में अपनी मन्नतें पूरी होने पर जायरीन आकर दरगाह पर हाजिरी लगाते हैं। यहां पर भारी संख्या में जायरीन की तादाद देखी जाती है। इस मेले में लोग बड़ी ही दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी होने पर चादर, गादर और पलंग पीढ़ी को साथ में लाते हैं और एकीदत के साथ दरगाह पर जाकर हाजिरी लगाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मेले में उद्घाटन के बाद जज शमीम अहमद ने भी चादर चढ़ाकर दरगाह में अपनी दुआएं मांगी। आइए देखते हैं अब्दुल कादिर की इस खास रिपोर्ट में। حضور کے پنجتنے پاک، حضور کے اہل بیت اتحاد، حضور کے امواج پاک، حضور کے باندیاں حضرات، جملہ امہات المومنین کی بارگاہ کرم میں عطا فرمائے۔